अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नोआज यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी मेज़बान पलवशा सईद। ख्वाब से ताबीर तक के इस सफ़र में आज हमारे साथ नोआ के एक बहुत ही स्पेशल स्टार बुशरा अजीज़ मौजूद हैं, जिन्होंने सी एस एस 2022 में नुमायाँ कामयाबी हासिल करते हुए आज़ाद जम्मू कश्मीर में टॉप किया है और उनकी एलोकेशन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हुई है। आइए बुशरा से उनके कामयाबी के सफ़र के बारे में कुछ जानते हैं। बुशरा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह आपने AJK में टॉप किया, तो लाइक एक तो एक इंसान एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो चलो एग्जाम को पास कर लेगा, अच्छे ग्रुप में एलोकेशन हो जाएगी, लेकिन क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपकी इतनी अच्छी पोजीशन आने वाली है? डेफिनेटली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। इट वाज एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। बस टीचर्स की कुछ उम्मीदें थी एंड आई वाज गोइंग विद देम, और मुझे था कि अगर टीचर्स को मुझ पर इतना यकीन है तो आई डेफिनेटली गेट दैट एलोकेशन, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड, got that PSP seat from Kashmir. Alhamdulillah and mashallah. Varsha, aapke family ka kya reaction tha? It was quite an overwhelming experience. Amma appa to kafi zyada khush hue because they were also not expecting this. Ke ek wo PSP ki seat hai aur upar wale teen groups mein hamari is par sirf PSP ki seat thi and they were not expecting ke wo PSP ki seat main le lungi. Definitely family was very happy, sab bade khush the aur yeah, it was an overwhelming experience. ठीक है मिश्रा, हमें थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मेरे फादर जो हैं वो रिटायर्ड सीनियर टीचर हैं। माय ब्रदर इज़ वर्किंग इन दुबई इन एन MNC। बहनें मेरी जो हैं कुछ पढ़ चुकी हैं और एक ऑलरेडी सिविल सर्विस में जॉब कर रही हैं, PSC किया उन्होंने, एंड माय यंगर सिस्टर इज लाइक स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी एंड देन ठीक है आई एम द मिडिल वन। ओके, तो बुशरा आपको जो CSS की इंस्पिरेशन या मोटिवेशन है वो अपनी बहन से मिली है, लाइक उनको देख के आप इंस्पायर हुई या आप खुद भी चाहती थी कि मुझे सिविल सर्विस में आना? सबसे पहले तो उन्होंने PSC किया कश्मीर से एंड फिर मुझे खुद भी था, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, इसलिए मैंने कुछ अपनी डिग्री भी इसी तरीके से अलाइन की। आई डिड माई लॉ डिग्री फ्रॉम लम, तो मुझे हमेशा से था कि आई हैड टू ज्वाइन द सिविल सर्विसेज, तो वो थोड़ा सा स्टार्ट में था कि भाई का भी था कि यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, बिकॉज उसका ख्वाब था करने का एंड समहाउ ही कुडंट डू इट, तो ही वॉज पुशिंग मी कि यू कैन डू इट, आप कर लोगे। यस, दैट वॉज ऑल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ माय फैमिली। तो बुशरा, लाइक आपके टीचर्स आपसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपकी फैमिली की बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, तो इसका मतलब है कि आप बचपन से बहुत अच्छी स्टूडेंट रही होंगी। दरमियान में थोड़ी सी थी मैं एक एवरेज स्टूडेंट, बट इन माई लाइक अर्ली ईयर्स तो मैं थी लाइक फर्स्ट आने वाली। फिर जैसे जैसे आप जाते हो मैट्रिक में एंड देन आपका स्कूल चेंज होता है तो आपकी कॉम्पिटिशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बट आई हैव ऑलवेज बीन अ ब्राइट किड इन माय फैमिली, सो इस वजह से वो जो एक्सपेक्टेशन है वो नेचुरल थी फ्रॉम द फैमिली। ठीक है। अच्छा बुशरा, आपने अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बताया, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में भी बता दिया, तो लॉ आपने किया और फिर लाइक आपने लॉ को स्विच करके एक सिविल सर्विस की तरफ आप आ गए, तो आपको क्या लगता है मतलब अब आके आप जब यहाँ बैठी हैं तो आप बहुत सेटिस्फाइड हैं इस बात से, बहुत खुश हैं कि ठीक है मुझे यही करना था, या कहीं ना कहीं आप चाह रही थी कि मैं अपने लॉ के करियर को ही परस्यू करती? जैसे कि मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने अपनी डिग्री को भी इसी तरीके से अलाइन किया था कि आई हैव टू डू द सिविल सर्विसेज वाली वो चीज़ मैंने CSS देना है एक बार, तो व्हेन आई ग्रेजुएटेड इन 2020 तो मेरा सबसे पहले यही था कि आई हैव टू गिव माई अटैम्प्ट, पहले सबसे पहले मेरा पहला गोल ये था आई गिव माई CSS के अटैम्प्ट, अगर नहीं होता CSS गॉड फॉरबिड डजेंट वर्क आउट सो आई गो फॉर LLM डिग्री एंड देन आई परसू माई करियर, तो मुझे उसमें वो नहीं था कि मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन है, आई हैड द बैकअप ऑप्शन जैसे कि हर बंदे के होते हैं, बट CSS वॉज ऑलवेज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, इसीलिए आई लाइक गेव बैक टू अटैम्प्ट, तो पहली में नहीं हो सका मेरा, बट आई क्लियर्ड इट इन सेकंड अटेम्प्ट। ठीक है, तो बुशरा जब आपने अब CSS की जर्नी की तरफ हम आपके आते हैं, जब आपने स्टार्ट लिया CSS के लिए प्रिपेयर करना, तो आपने जो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट किए उन सब्जेक्ट्स को किन बेसिस पे सिलेक्ट किया और तैयारी को स्टार्ट कैसे लिया था आपने? मैं ग्रेजुएट हुई थी मई 2020 में, उसके बाद जो सब्जेक्ट सिलेक्शन थी बेसिकली स्टार्ट तो मैंने अपने सीनियर्स वगैरह से, कुछ टीचर्स से, कुछ मेंटर्स से, जिनसे मैंने किया था, ये था कि मैंने जो अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने वो अपने बैकग्राउंड के लिहाज से करने, सो आई हैड सोशियोलॉजी इन माय CSS एंड आई ऑलरेडी स्टडीड सोशियोलॉजी, मैंने टू सब्जेक्ट्स इन लम्स फ्रॉम सोशियोलॉजी के 100 and 200 लेवल के, एंड देन आई हैड मर्केंटाइल लॉ, आई हैव अ डिग्री इन लॉ, तो वो मेरा ऑलरेडी एक सब्जेक्ट था
एंड देन देयर वाज पॉलिटिकल साइंस. तो आई हैड ऑलरेडी टेकन पॉलिटिकल साइंस के दो सब्जेक्ट्स इन लम्स में. तो वो मेरा एक था कि मैंने ऐसा सब्जेक्ट लेना जिसमें आपका एक बैकग्राउंड एक नॉलेज हो, बिकॉज अगर आपका किसी चीज़ में बैकग्राउंड नॉलेज ना हो तो आई थिंक वो आपको चीज़ CSS में बहुत मुश्किल से चलती है. आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी करनी पड़ती है ना उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, और फिर आपको उसको बेस लेवल से लेकर चलना पड़ता है. बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल इफ आई हैड टेकन फिलोसफी, तो मैंने फिलोसफी का कोई कोर्स नहीं लिया हुआ था, तो मुझे पहले से ही होता कि वो जो एक आपका फियर होता है ना, इनहेरेंट फियर, कि आपको होता है कि आपने बेस से स्टार्ट करना है और फिर पता नहीं इट विल वर्क आउट और नॉट. सोशियोलॉजी का ऑलवेज बीन लाइक वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आई लाइक क्रैक दैट कोर्स, बिकॉज मेरा सोशियोलॉजी बड़ा अच्छा रहा था लम्स में. एंड आई डिड लाइक प्रोजेक्ट, सोशियोलॉजी के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मैंने लम्स में किए थे. तो आई थिंक वो जो आपका एक सब्जेक्ट्स लेने की सिलेक्शन होती है, वो आपने थोड़ी सी मेंटर से गाइडेंस लेनी पड़ती है, बट मोस्टली यू डू इट विद योर इंट्यूशन, व्हाट वर्क्स फॉर यू. एंड यू थिंक लाइक आपके अगर कोई है बेस नॉलेज, तो यू अपने उसकी ही को साथ लेके चलना है. ठीक है. बुशरा, जनरल स्टडीज और यूरोपियन हिस्ट्री जो है, लाइक वो दो सब्जेक्ट्स आपने अपने इंटरेस्ट के बेस पे लाइक सेलेक्ट किए थे, आपको उनमें इंटरेस्ट था? जेंडर स्टडीज़ और सोशियोलॉजी ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, बट थोड़ा बहुत दोनों सेम है. तो जेंडर स्टडीज़ तो मैंने अपना बिल्कुल उससे रखा था, इंटरेस्ट बेस से रखा था. यूरोपियन हिस्ट्री जब मैंने रखा था, तो तब यूरोपियन में इट वाज अ वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट. ठीक है. तो मुझे था कि एक सब्जेक्ट, एक आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपके ना नंबर आए. दो लकीली ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ. अब उसमें मेरे थोड़े कम मार्क्स आए कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, मर्केंटाइल वगैरह. बट इतना कम स्कोर भी नहीं लिया, लाइक आपने 60 स्कोर लिया हुआ यूरोपियन हिस्ट्री में. वो उस एक लिहाज से इस बार जो यूरोपियन रहा है वो थोड़ा सा हिट हुआ है थोड़ा सा. बट जब मैंने पहले अटेम्प्ट में यूरोपियन लिया था, तो यूरोपियन में काफी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट था. तो मुझे बस यही था कि एक सब्जेक्ट थोड़ा सा आपका सेफ जोन में चलना चाहिए. बिल्कुल. तो बुशरा, जो आपकी पहली अटेम्प्ट थी, उस अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में आपने कोई ऑप्शंस अपने चेंज किए थे या ऑप्शंस सेम रखे थे? जी, पहले में मैंने रखा था GPP. ठीक है. वो GPP भी उसका भी यही था कि GPP और मैंने यूरोपियन रख लिए थे कि थोड़ा आप सेफ जोन में रह जाएं. लेकिन GPP मेरा उस आई कुडंट क्रैक दैट कोर्स. तो मुझे पहले सब अटेम्प्ट में बड़ा मसला हुआ था उसको कवर करने में. और थोड़ा सा होता है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपको ज़रा उस पर आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है. सेकेंड अटेम्प्ट में आई थॉट कि अगर मुझे इतनी एफर्ट GPP में करनी पड़ी है, तो क्यों ना मैं ऐसा सब्जेक्ट ले लूँ जो मेरी अपना इंटरेस्ट भी है, एंड देन आई नो आई विल क्रैक दैट कोर्स. ठीक है. एंड जेंडर स्टडीज वॉज वन सब्जेक्ट दैट आई न्यू कैल क्रैक दैट. दो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि जेंडर स्टडीज हिट होता है. पिछले 2-3 सालों से उसका थोड़ा सा अप एंड डाउन रहा हुआ है, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट. ये था कि मुझे था कि या तो हिट हो जाएगा तो या तो नंबर आ जाएंगे, बट लकीली इट वेंट फाइन अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है. बुशरा, जैसे अभी मेरी आपसे डिस्कशन हो रही थी और आपने बताया कि ऑन एंड ऑफ आप एक साथ जो है वो अपनी डिग्री के बाद जॉब भी कर रही थी, तो आपने कैसे पढ़ाई को टाइम दिया और अपने टाइम को मैनेज कैसे किया, और दिन में कितने घंटे आप अपने स्टडी आवर्स आपके कितने थे? अच्छा, आई हैव वर्कड एज अ रिसर्च एसोसिएट. मैंने अपने लॉ स्कूल के साथ रिसर्च एसोसिएटशिप की थी लम्स में ही. इट वॉज बेसिकली अ पार्ट टाइम जॉब. कोविड था एंड देन देयर वाज वर्क फ्रॉम होम. आई वाज लकी देयर टू. तो ये होता था यूजली कि हमारे जो टास्क होते थे उसमें डेडलाइन बेस्ड होते थे. वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट विद अमेरिकन बार एसोसिएशन, तो उसमें द प्रोजेक्ट्स वर लाइक देयर वर डेडलाइंस. तो मैं यूजली ये करती थी कि पहले अपनी डेडलाइंस वगैरह सुबह थोड़ा सा काम करके फिर अपना पढ़ना शुरू कर देती थी. एंड आई डिड माय प्रिपरेशन, जो दूसरी अटेम्प्ट की मैंने प्रिपरेशन किया, आई डिड इट इन मुजफ्फराबाद अपने घर में. आई यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी. तो मेरा वो होता था, मैं लाइब्रेरी में जाके पहले तो मैं अपना ऑफिस का काम कंप्लीट कर लेती थी एंड देन फिर तैयारी शुरू कर देती थी. तो मतलब यूजली मेरा ये स्केड्यूल होता था कि सुबह 8 बजे चले जाना है आपने लाइब्रेरी, एंड देन आपने फिर पढ़ना है, और शाम को 6-7 बजे यू कम होम. और फिर थोड़ा सा अगर मेरा ऑफिस का काम रह जाता था तो वो मैं रात को कंप्लीट कर लेती थी. एंड देन लाइक इस तरह से दो आपका जब आपके ज़्यादा आपके एग्जाम्स करीब आते हैं तो आपका टाइट स्केड्यूल हो जाता है. बुशरा, जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आपने अच्छा स्कोर लिया हुआ है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने कितना प्रैक्टिस किया था एसे और प्रेसी को? एसे और प्रेसी आई वॉज लकी देयर. आई थिंक आई मस्ट मैंशन हेयर कि कुछ 2-3 टीचर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे मिले हैं. सबसे पहले अजहर भाई, अब जब मेरा पहले अटेम्प्ट में ऐसे रह गया तो ही पुश्ड मी कि आप आएँ और उस तरह से सर नफीस से लें. और फिर सर नफीस के साथ वो जो एक मेरा सेशन था इंग्लिश का, दैट वाज वेरी फ्रूटफुल. और सर नफीस की एक अच्छी बात ये है कि वो आपको बेस से लेकर चलते हैं, आपको आपकी अपनी बेस से, फिर आपकी बेस आप ऐसा पेस पे वो आपको सिखाते हैं ऐसे लिखना.
और सबसे अच्छी बात तो उनकी ये भी है कि वो आपकी क्लास के बाद बैठ जाते हैं और फिर आपके वो एसेस चेक करते हैं. तो हमारी रोज़ाना की एक वो होती थी कि हम लिख के लाते थे एंड देन आउटलाइंस अपनी सनफी से चेक करवाते थे. तो वो जो मेरी 45 डेज का जो मेरा कोर्स था उनके साथ, उसमें मेरी बड़ी लाइक प्रैक्टिस हुई है. तो आउटलाइंस लिखना, फिर प्रेसिस का चेक करवाना. प्रेसिस का थोड़ा सा मेरा ये था कि पहले अटैम्प्ट में भी मेरा प्रेसी पास हो गया था, तो मुझे थोड़ा सा उस पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी एज़ कम्पेयर टू एसे. ऐसे में मैं थोड़ा वीक थी. फिर जब व्हेन आई वेंट होम, तो फिर भी मेरा यही था कि मैं अपने एसेज वगैरह आउटलाइंस लिख के दे देती थी टीचर्स को, और फिर वो साथ साथ चेक करवाते रहते थे, और फिर मुझे वो मिलती रहती थी कि आप यहाँ पे ठीक करना है, यहाँ पे ठीक करना है. तो वो प्रैक्टिस के लिहाज से तो ये था कि आप आई वुड मेक श्योर कि रोज़ाना एक आउटलाइन लाजमी बनानी है, और फिर मैंने उनको उसको रैंडम टीचर्स से, लाइक डिफरेंट टीचर्स से चेक करवाना है. आप अपने पीयर से भी चेक करवा सकते हैं, दो तीन लोगों से, फिर आपको डिफरेंट ओपिनियंस मिलते हैं. अगर जब आप बनाना शुरू करते हैं, अगर बाय द एंड ऑफ आपके जब एग्जाम्स करीब आ जाते हैं, इफ़ यू हैव लाइक प्रिपेयर्ड अराउंड 120 आउटलाइंस, आई थिंक यू गुड टू गो इन एसे. ठीक है. वर्षा, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? आपने इन दो सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर किया? Current affairs, so there is no one except Sir Fareed. He has been very kind with me. दूसरे attempt में अगर there's very few people जिनको आप पे अंधा एतमाद होता है, and he was one of them. And he always used to say कि तुम कर लोगी, तुम्हें थोड़ी सी like करने है, मेहनत करनी है, तुम कर लोगी. उनके lectures मेरे लिए थे and they were very fruitful for me. और सर फरीद तो उनका तो दूसरा नाम है ही नहीं है सर फरीद का. सर फरीद आपको एक सब एक जो टॉपिक है वो आपको हर एंगल से करवा देते हैं, और बाय द एंड आपको उसका एनालिसिस बहुत अच्छा तैयार हो जाता है. फॉर पाकिस्तान अफेयर्स तो मैंने यही था कि मेरा डिफरेंट पेपर्स जो आपके आते हैं, डिफरेंट दो तीन वेबसाइट थी, वो भी हमें डिफरेंट टीचर्स ने बताई थी यहाँ पर नोवा में भी, कि जैसे ISSI होगी, IPRI होगी, तो उसमें पॉलिसी पेपर्स आते हैं, एंड देन देर आर ऑल्सो रिसर्च पेपर्स. So and this website Research Society of International Law, तो उसमें भी कुछ policy papers आते हैं, अच्छे आते हैं. सो अगर आप उसमें से पढ़ लें तो आपका तो पाकिस्तान अफेयर्स का जो थोड़ा सा करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है वो भी आपका अच्छा सा तैयार हो जाता है. सो आई यूज़ टू डू दैट. मेरे उनके मैं उनके वन पेजर्स बना लेती थी एंड इस तरह से. ठीक है. अभी आपने करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से बताया कि लाइक आप उसके नोट्स बना रही थी, तो मैं आपकी नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी के बारे में भी जानना चाहूँगी, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे देखने वाले व्यूअर्स और एस्पायरेंट्स होते हैं वो भी जानना चाहते हैं कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं. तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जो मेरी नोट्स बनाने की स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि पहले तो आपने प्रिसाइज और अच्छी प्रेजेंटेशन वाले नोट्स बनाने, मेक श्योर योर हेडिंग्स आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एंड देन आपका एक सवाल आपने अगर कोई लिया है तो उसको आपने 6-7-8 पेजेस का अच्छा सा सवाल आंसर बनाया, उसमें आपने डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करनी होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम CSS का एक सवाल देख लें, तो उसमें आपको यू नीड टू हैव थोड़ी सी ट्रिक्स जो आपको यूज़ करनी, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रेजेंटेशन आपको अच्छी उस तरह से हेडिंग्स वगैरह जैसे मैंने आपको बताया, एंड देन देर आर कोटेशंस, एंड देन देर आर रिसर्च पेपर्स, एंड देन देर आर स्टैटिस्टिक्स. तो मैं इस तरह से अपने नोट्स मेकिंग बनाती थी फॉर करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स. एंड बाय द एंड ऑफ द एग्जाम्स करीब आते थे, तो एक दो महीने में जो मेरी थर्ड रिवीजन हो रही है फॉर एग्जांपल, तो आई यूज टू मेक वन पेजर्स बिल्कुल, जो मैं फिर एग्जाम वाले दिन रिवाइज करती थी. आई थिंक दिस वर्क्ड वेरी फाइन फॉर मी. ठीक है. तो वर्षा, लाइक इसका मतलब है कि आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट हो गया था, जो आपने अपने रिवीजन भी कर ली थी. मोस्टली तो लोगों का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता, तो आपका हो गया था. इट वॉज़ माई सेकेंड अटैम्प्ट, तो मुझे उससे भी थोड़ा सा मैं लकी इस तरह से रह गई थी कि उसी अटैम्प्ट में व्हेन आई केम हियर फॉर द इंग्लिश सेशन, तो मैं यहाँ से नवंबर दिसंबर में आई वेंट बैक टू मुजफ्फराबाद. तो उसके बाद हमारा MPT आ गया, तो मुझे जो था मेरे पास 4-5 महीने आराम से थे. तो जो मेरे पहले अटैम्प्ट के जो मेरे नोट्स थे वो ऑलरेडी बने हुए थे, मैंने उन्हीं को थोड़ा सा पॉलिश करना था, एंड देन आई हैड टू डू द रिविजन. तो सेकंड अटैम्प्ट में मेरी बेसिकली स्ट्रैटेजी यही थी कि आपने सब्जेक्ट एक मैंने चेंज किया हुआ था, उसको मैं बेस से लेकर चलना था. दूसरी जो बाकी नोट्स थे मैंने उनको पॉलिश करके रिविजन बहुत ज़्यादा की थी. आई थिंक रिविजन बहुत लोग इसको ज़रा थोड़ा सा लाइट लेते हैं, लेकिन रिविजन इज़ वन थिंग दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर थिंग्स. तो और लोगों को थोड़ा सा आपने अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उस पर खेलना होता है. फॉर एग्जाम्पल देर आर पीपल जो सिर्फ बुक्स से ना अच्छी तैयारी कर लेते हैं, एंड देन देर आर पीपल जो अपने हाथ से नोट्स बना के उस तरह से तैयारी करते हैं. सो आई थिंक पहले तो आपने अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि आप किस तरह से तैयारी करते हैं. कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनमें मैंने मुझे था कि मैं बुक्स से आई कैन डू लाइक अच्छी तैयारी. अब जैसे इस्लामिक स्टडीज़ थी, तो डिफरेंट बुक्स से मैंने आराम से तैयारी की, उसके मैंने नोट्स नहीं बनाए थे. ठीक है. बट देन देर सब्जेक्ट्स लाइक मर्केंटाइल लॉ, तो उसमें आपको
इन ऑर्डर टू स्टैंड आउट यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट ऑफ द फैक्ट कि आपने लोगों से जो हट के आपने पेपर तैयार करना है तो उसको जरा डिफरेंट अप्रोच से लेकर चलना है. सो मेरी भी ये स्ट्रैटेजी थी, इसी वजह से मैंने मर्केंटाइल के लिए भी थोड़ा हट के अपने तरीके से नोट्स बनाए थे जो मैंने सिर्फ अपने लिए बनाए थे, नॉट द वंस जो आर जो बहुत क्लीशे या मार्केट में होते हैं नोट्स. ठीक है, तो जैसे आपने कहा कि क्योंकि मार्केट में बहुत सी ऐसी बुक्स अवेलेबल होती हैं जहाँ इवन FPSC की जो रिकमेंडेड बुक्स होते हैं, सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्हीं बुक्स को और उन्हीं सोर्सेज को कंसल्ट कर रहे होते हैं, तो फिर डिफ्रेंशिएट करना अपने पेपर को दूसरों से बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो कोई ऐसी बुक्स, कोई ऐसे सोर्सेज, चाहे वो ऑनलाइन हैं या FPSC की रिकमेंडेड हैं, जो आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर करना चाहें अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिहाज से भी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेके भी? फॉर द कंपलसरीज, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कुछ वेबसाइट हैं जैसे ISSI होगी, IPRI होगी, उनके कुछ पॉलिसी पेपर्स हैं बहुत अच्छे हैं, उनके वन पेजर्स बहुत अच्छे हैं. उसके बाद जो थी मेरा यूट्यूब से, मैंने यूरोपियन के लिए यूट्यूब पे क्रैश कोर्स आता है यूरोप उसका, उस पर मैंने उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली थी. और फॉर मर्केंटाइल लॉ मेरी ज़रा डिफरेंट स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि मैंने पहले अटैम्प्ट में उसको बड़ा ट्रेडिशनल तरीके से तैयार किया था. आप एक सवाल आया तो आपने उसको उसी तरह से लॉ स्टेट करके आपने जवाब दे दिया. फॉर सेकेंड अटैम्प्ट आई मेड श्योर कि मैं उसको डिफरेंट तरीके से तैयार करूँ. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मर्केंटाइल का लोग एग्जाम देते हैं तो वो सिर्फ लॉ स्टेट करना, एग्जाम्पल्स देना, इलस्ट्रेशन देना, उसी पर रहते हैं. बट सिंस आई हैव ऑलरेडी लाइक स्टडीड लॉ, तो मुझे था कि आपने ना डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस के केसेस स्टेट करने, तो आई मेड श्योर कि हर एक जो टॉपिक है उसके पास मेरे पास डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस के केसेज हों, UK के, US के. तो अब जो मैंने पेपर किया था उसमें मैंने आखिरी पेज पे जो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस के केसेस थे वो मैंने लिख के आई थी. मैंने केस लिखा एंड देन आपने एक वन लाइनर का जो उसका होता है रैशनल होता है कि उस केस में क्या हुआ था, तो वो उस तरह से मैंने उसको डिफरेंट तरीके से किया था. वो बेसिकली इट वाज ऑल रिसर्च बेस्ड, मैंने उसके नोट्स बनाए थे एंड देन फिर उसी को लाइक याद वगैरह किया था. फॉर पॉलिटिकल साइंस, तो आई थिंक उसके लिए आपको जो दो तीन बुक्स हैं उनके अलावा भी आई थिंक आपको बहुत सी रिसर्च डिफरेंट तरीके से करनी पड़ती है. फॉर मी, मैंने कोर्सेज लिए थे कुछ ऑनलाइन, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की थी. और उसका ये था कि आपने डिफरेंट टेबल्स वगैरह बनाने, डिफरेंट मैप्स वगैरह बनाने, तो उससे ज़रा आपका ना अच्छा रह जाता है. मैप्स मैंने यूज़ किए थे मोस्टली इन पाकिस्तान अफेयर्स एंड यूरोपियन हिस्ट्री, तो बिकॉज जो हिस्ट्री और इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, मैप्स आपका ज़रा एक अलग इफेक्ट देते हैं आपके पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी जी. और प्लस ये है कि अगर यूरोपियन का कोई क्वेश्चन आया और आपने मैप बनाया हुआ, तो एग्जामिनर ऑलरेडी नोस, इस तरह से बच्चे ने बनाया हुआ है तो ही नोस कि यहाँ पे क्या हो रहा था, ये वो चीज़ें. यूरोपियन हिस्ट्री में इट इज़ नेसेसरी टू डू दैट. अदर सब्जेक्ट्स जो ऑलरेडी मैंने करंट अफेयर्स का, तो सर फरीद का ही उस तरह से मैंने पढ़ा था. इस्लामिक स्टडीज़ के लिए भी आई थिंक दो तीन बुक्स हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, इवन नोआ की इस्लामिक स्टडीज़ की बुक काफ़ी अच्छी है. यस, दैट वॉज ऑल. ठीक है, रिटर्न के हवाले से आपने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो हमारे देखने वालों के साथ शेयर कर दी हैं. मैं चाहूँगी कि अब आपके इंटरव्यू के प्रोसेस की तरफ आएँ. तो बुशरा, आपका जो FPSC के साथ आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट था और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, वो कैसा रहा? तो इंटरव्यू की तैयारी थी वो बेसिकली मैंने नोआ से की थी एंड आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे इंटरव्यू के फेस में बहुत अच्छी गाइडेंस मिली एंड नोआ वॉज अ फैमिली फॉर मी इन इंटरव्यू फेज. सर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया और आई थिंक जो स्ट्रेटजी मेरे लिए काम की है फॉर साइकोलॉजिकल वो यही थी कि यू हैव टू बी वेरी नेचुरल इन योर साइकोलॉजिकल एग्जाम. जैसे अब फॉर एग्जांपल कुछ आपके जो हैं जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, और जो आपकी दूसरी जो आपकी वो होती है स्पीच होती है 2 मिनट्स की, आपने यू जस्ट हैव टू बी नेचुरल विद देम. जैसे आप कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा सा तैयारी करके जाते हैं तो वो आपकी ना तैयारी दिख जाती है उनको, बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रोफेशनल पीपल, उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो क्रैक कर लेते हैं कि ये बंदा जो है, ये बच्चा जो है, ये पढ़ के आया हुआ है या इस तरह वो करके आया. तो मुझसे तो उन्होंने माई इंटरव्यू विद द साइकोलॉजिस्ट वेंट फॉर अराउंड 15 मिनट्स एंड इट वॉज ऑल दे जस्ट आस्क मी अ कपल ऑफ क्वेश्चन एंड दे जस्ट सेट कि आप उस दिन में थोड़ी सी बीमार भी थी, सर आप यू नॉट लुकिंग फाइन, तो आई सेट कि यस सर मैं ज़रा शायद मुझे बुखार हो गया, तो इट वॉज वेरी नेचुरल कॉन्वर्सेशन विद दैम. तब वो केसेस वगैरह भी चल रहे थे एंड दे आस्क मी अ कपल ऑफ एकेडमिक क्वेश्चन बिकॉज आई हैड अ लॉ डिग्री टू, यस एंड दैट वॉज ऑल. वो बड़ा स्मूथली चला गया था मेरा उसके उसमें, और मेरा ग्रुप भी काफ़ी अच्छा था. आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट बिकॉज वन यू हैव पीपल अराउंड जो आपको
थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करवाते हैं, तो वो आपका वो दिन जो होता है, जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, बड़ा स्मूथली चली जाती हैं. एंड फॉर द मेन इंटरव्यू इट वाज अ बिट हार्ड फॉर मी बिकॉज थोड़ा सा ये था कि आई डोंट नो, इट वाज प्रोबब्ली द डे उस दिन थोड़ी सी हार्ड लगती, लेकिन ये था कि कुछ उन्होंने मेरा जो इंटरव्यू था दैट वॉज वेरी डिफरेंट. इट वॉज अ वेरी पर्सनल काइंड ऑफ इंटरव्यू एंड क्वेश्चन जो थे वो रिपीट नहीं हुए थे. And the panel was very nice. जो chairman थे वो अच्छे थे. Throughout the interview, they asked me about my degree and then the work I've done and the projects we have done in LAMS, जो मैंने American Bar Association के साथ काम किया था. और interview के लिए भी I think what you have to do is you have to take it as a conversation with the panel. तो once you do that, तो I think you're able to crack that interview. Main strategy यही होती है. बाकी तो जो आप ये जितनी मर्जी अगर आप तैयारी कर लें, अगर आप उस दिन इफ़ यू नॉट फीलिंग गुड और आप उसको इंटरव्यू को ऐसे लेकर चलेंगे कि यार अगर मैंने इसके इनके साथ जाना तो बस मैंने उनको जवाब देना है और बस सुनना है और जवाब देना है, तो वो आई थिंक वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको लेकर चलना आगे. उन्होंने मुझसे कुछ मेरे थे, उन्होंने टोकन सवाल किए थे जो आई कुडंट रिकॉल, तो आई जस्ट सेड आई एम सॉरी सर, आई कैन नॉट रिकॉल. बाकी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फील्ड वाले क्वेश्चन, yes, that was all. Okay. तो वर्षा, like जैसे आप अपने मेन इंटरव्यू का बता रही हैं, थोड़ा सा प्रेशर इंसान ले लेता है, और क्योंकि थोड़ा सा आपने बताया कि वो टफ भी रहा आपका, तो जब आप इंटरव्यू दे के बाहर आई तो क्या सोच रही थी, क्या तासुरात थे, आपको क्या लग रहा था कि मतलब हो जाएगा आराम से, या थोड़ी से कॉन्फिडेंस शैटर हुआ था? मेरे लिए थोड़ा सा मुझे ये लगा था कि मुझे दरमियान में थोड़ा सा टफ टाइम मिला इंटरव्यू में, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा आपका जब आप बाहर आते हैं तो आपको फियर भी होता है कि इधर आई बी एबल टू मेक इट और नॉट. तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बस ये था कि मैं इस इंटरव्यू को वो नहीं कर, ऐसा नहीं होगा कि दे विल पुट मी लाइक इन जीरो. मुझे था कि कुछ ना कुछ मुझे दे देंगे, लाइक एवरेज मार्क्स आई विल गेट, ठीक है दोस. बाकी थोड़ा सा मेरी एक्सपेक्टेशन से कम अच्छा गया था. आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट बेटर, लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट बड़ा था. माशाल्लाह आपने एचके में टॉप किया तो अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड, तो आई थिंक दैट मेड अप फॉर दैट. अच्छा बुशरा, इंटरव्यू के एंड पे मैं चाहूंगी कि आप हमारे देखने वालों को, एस्पायरेंट्स को कोई भी अगर मैसेज देना चाहें तो प्लीज. आई थिंक देयर आर टू और थ्री थिंग्स दैट वन हैज टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन. वन इज के आपको कंसिस्टेंसी, वो तो ऑब्वियसली यू नीड इट इन CSS एग्जाम्स बिकॉज देयर एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ कम्पेटिटिव एग्जाम, तो वो आपको चाहिए होती है. सेकेंडली आप यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद द पीपल जो हु बिलीव इन योर सेल्फ इवन वेन यू आर नॉट एबल टू बिलीव. एंड ट्रस्ट मी देर कम्स अ टाइम वेन ऑल यू कैन सी इज डार्कनेस, और दो तीन लोग होते हैं जो आपको कहते हैं कि नहीं आई सी द लाइट इन यू. You have to have a couple of those people in you, with you, and you should surround yourself with the positive people. Thirdly, mehnat jari rakhein. Agar ek attempt mein nahi hota to it's okay, I think hard luck kabhi bhi ho jati hai. Second attempt dein, agar nahi hota third attempt dein. If does not work out, to I think life has many more good things to offer in the end of the day. थैंक यू वेरी मच बुशरा. थैंक यू जी. व्यूअर्स, आज हमारे साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर की टॉपर बुशरा अज़ीज़ मौजूद थी, जिन्होंने CSS 2022 में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेशन हासिल की है. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सक्सेस स्टोरीज. अल्लाह हाफिज़.